आरोपी अभिषेक पांडे को गिरफ्तार किया है। न्यायालय में सरेंडर करने पहुंचा था अभिषेक पांडे। सरगुजा पुलिस ने आरोपी पर रखा था 30,000 का इनाम। एक महीने से ज्यादा समय से लापता था अभिषेक पांडे। संदीप लकड़ा की हत्या कर लाश कर दी थी दफन। रानू राज हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। रानू, अब क्या खुलासा हुआ इस पूरे मामले में? जी बिल्कुल, बता दूंगी कि अभी से कुछ देर पहले जो संदीप लकड़ा हत्याकांड का जो मुख्य आरोपी अभिषेक पांडे था वो न्यायालय पहुंचा सिलेंडर करने। उसके पहले ही उसको सरगुजा धर दबोचती है और न्यायिक अभिरक्षा में ले लेती है। अब पूछताछ कर रही है और आगे क्या संदीप पांडे बताता है वो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन कहीं ना कहीं पिछले एक महीने से अधिक समय हो गया सरगुजा पुलिस से गिरफ्त से बाहर था। जब वो आरोपी खुद से सरेंडर करने आता है तब जाके उसे सरगुजा पुलिस पकड़ती है। तो कहीं ना कहीं सरगुजा पुलिस फेल्यूर नजर आती है, क्योंकि जो मुख्य आरोपी था वो खुद से आके सरेंडर करने कोर्ट पहुंचता है। अब आरोपी पुलिस के गिरफ्त में है और पुलिस की कड़ी पूछताछ चल रही है। पूछताछ के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि अभिषेक पांडे क्या कहता है, क्योंकि वो इस हत्याकांड का मुख्य आरोपी था। जी शुक्रिया रानू आपका जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए। तो देखना है पूछताछ में अब क्या नए खुलासे इस पूरे मामले में होते हैं। वहीं बैतूल से बड़ी खबर है, युवा मोर्चा नगर मंडल अध्यक्ष और ग्रामीण